नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं एक रिव्यू करना चाहती हूँ। ये बहुत ही रीसेंट प्रोडक्ट है एंड सो मैं लास्ट मंथ मार्केट गई थी एंड आई सॉ दिस प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ, सो आई थॉट ऑफ पिकिंग इट अप, ट्राइंग इट ऑन एंड या सो सोचा चलो एक रिव्यू भी कर लिया जाए। एंड जो प्रोडक्ट मैंने लिया है दैट इज़ प्रिपेयर 4050। ये बेसिकली एक एंटी एजिंग क्रीम है। इट सेज इट इज़ 30 डेज स्किन रिपेयर फॉर्मूला एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 30 डेज नाउ। सो 30 दिन हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए। मैंने पूरे एक मंथ से अपने ऊपर ट्राई किया एंड सो अब मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दे सकती हूँ इसके बारे में। इट सेज कि ये एक स्किन रीजनरेटिंग क्रीम है। सो बेसिकली जब आई वॉज इन द मार्केट एंड आई सॉ देयर वर टू टाइप्स ऑफ क्रीम प्रिपेयर की ही दो तरह की क्रीम थी। एक के नीचे लिखा था 4050 और दूसरे के नीचे लिखा था 5060। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट दोनों में हल्का सा प्राइस डिफरेंस ज़रूर था और ना ही इसकी पैकेजिंग में लिखा था कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। मैंने 4050 ले लिया ये अज्यूम करके कि मे बी इट्स फॉर दी एज ग्रुप ऑफ 4050 एंड 5060 मुझे लगा कि 5060 एज ग्रुप के लिए ही है। सो मैंने एक रैंडम सा तुक्का लगाया और मैंने जस्ट 4050 ले लिया ये सोचकर। फिर बाद में घर पर आके आई रिसर्च अ लॉट एंड जो मेरा तुक्का था वो एकदम सही था कि दिस प्रोडक्ट वॉज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 4050 एंड दी 5061 वॉज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 5060। दो आई एम not even close to 40-50 age group. I am in my late 20s and I am going to be in my 30s soon. Yeah, so फिर भी मैंने product उठा लिया ये because I am using anti-aging products since around 25. So मैं तब से anti-aging products use कर रही हूँ। कभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं am like very very regular, but I keep anti-aging products in my skin care routine or regime off and on. तो इस तरह से लाइक आई हैव यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, सो आई थॉट ऑफ ओके व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो आई पिक्ड इट अप एंड जो 4050 प्रिपेयर क्रीम है इट रिटेल्स फॉर 325 इंडियन रुपीज़ एंड जो 5060 प्रिपेयर क्रीम है दैट रिटेल्स फॉर अराउंड 399 इंडियन रुपीज़ और 375। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, आई विल जस्ट मैंशन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और जो प्रोडक्ट मुझे मिला इस ट्यूब में दैट इज़ 50 ग्राम एंड so 325 for 50 grams is I think is a decent price. Moreover it's like an anti-aging product. तो आपको पता है कि anti-aging products like they are really really expensive in the market. They are super expensive. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक actual में एक anti-aging specially like anti-aging specially product special product है। इसका और कोई purpose नहीं है except anti-aging. So ये एक specially anti-aging curated product है जो कि इतने कम price range में available है एंड या सो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आपको जो मिल रहा है वो काफ़ी डिसेंट है। सो मुझे प्राइसिंग वाइज बहुत अच्छा लगा ये कि एक स्पेशल एंटी एजिंग प्रोडक्ट आपको 325 इंडियन रुपीज़ में मिल रहा है विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल एंड आई थिंक ये किसी के भी पॉकेट को सूट करेगा जो कि अच्छे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की तलाश में है। अकॉर्डिंग टू देम आपको ये दो बार यूज़ करना है, इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। सो लाइक दे डोंट हैव अ सेपरेट मॉर्निंग क्रीम और सेपरेट नाइट क्रीम, सो वो भी बहुत अच्छी बात है बिकॉज कई बार हम ट्रैवल करते हैं एंड वी डोंट लाइक टू कैरी लॉट ऑफ स्टफ, यू नो, कि हम मॉर्निंग की अलग से क्रीम उठाएं और रात की अलग से क्रीम उठाएं। तो आई थिंक दिस इज़ लाइक एन ऑल इन वन प्रोडक्ट, आप एक ही बॉटल उठाएंगे एंड जो कि आपकी दोनों टाइम पे काम करेगा। सो दैट वाज अ रियली गुड पॉइंट। मैंने ये 30 डेज़ यूज़ किया है एंड पर मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है। आई यूज़ टू यूज़ इट एज माय मॉर्निंग मॉइस्चराइज़र, यस। सो मैं मॉइस्चराइज़र की जगह ये लगा रही थी पास्ट 30 डेज़ में एंड ये मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है। मैंने इसके ऊपर पढ़ा है दैट इट हाइड्रेट्स एज वेल, सो मैंने एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। नाइट टाइम रूटीन मेरा ऑलरेडी सेट है तो उसको मैंने नहीं छेड़ा, जो मैं करती थी मैं वही करती थी, बट मॉर्निंग टाइम में ये ज़रूर ऐड हुआ है मेरे स्किन केयर रूटीन में। सो पहले आइए बात करते हैं पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं ये एक पर्पलिश कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। जो 5060 है दैट कम्स इन लाइक पिंकिश कार्डबोर्ड पैकेजिंग और जब आप ये खोलते हैं कार्डबोर्ड पैकेजिंग तो आप देखते हैं देयर इज़ अ वेरी स्लीक बॉटल, वाइट कलर की एक बॉटल है और इसके ऊपर लिखा है प्रिपेयर 4050। काफ़ी पतली सी स्लीक सी बॉटल है जो कि बहुत डिसेंट है ट्रैवल करने के लिए, ज़्यादा बल्की नहीं है
और जब आप इसको खोलते हैं देन यू कैन सी दैट इट कम्स विद अ पंप विच इज़ अमेजिंग. आप इजीली पंप कर सकते हैं प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है. लिटरली हाफ अ पंप इज़ इनफ फॉर योर होल फेस. सो दैट्स रियली नाइस. आई लव द पैकेजिंग. वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड वेरी स्लीक. मैं क्या करती हूँ, हाउ आई यूज़ इट, आई टेक लाइक हाफ अ पंप और मैं इसको अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लेती हूँ. और जहाँ भी मुझे लगता है कि देर आर फाइन लाइन्स थोड़ी ज़्यादा हैं लाइक अराउंड माई आईज़, मैं वहाँ पे थोड़ा सा ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रखती हूँ एंड देन आई ब्लेंड इट रियली नाइसली ऑन माई फेस. अच्छे से ब्लेंड करती हूँ ताकि ये मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए. और सरप्राइजिंगली बहुत ही जल्दी ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है कि आप बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब एब्जॉर्ब हो गई आपकी स्किन पे और आपको बिल्कुल भी को बिल्कुल फील नहीं होता दैट यू हैव एनी प्रोडक्ट ऑन योर फेस. दैट्स अमेजिंग. बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है अपने फेस पे. इतना लाइट वेट है और इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है दैट यू डोंट इवन फील दैट देयर इज एनी प्रोडक्ट ऑन योर फेस, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. और ये आपकी स्किन को एज इट इज़ रखता है, बिल्कुल ग्रीजी नहीं होने देता, बिल्कुल ऑयली नहीं करता स्किन को. आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन और मुझे अभी तक इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ऑयली या ड्राइनेस की. हाइड्रेट ज़रूर करता है तो मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं लगती अगर मैं ये लगाती हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इतना थोड़ा सा अमाउंट लगता है, मतलब ये अभी मैं महीना यूज़ कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसका 1/4 भी यूज़ किया है. लाइक ये इजीली 6 to 7 months और चलेगी बॉटल. लाइक सो 325 rupees में 6 to 7 months आपको एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट मिल रहा है विच इज़ अमेजिंग. और अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है कैसा. सो एक महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड आई कॉन्ट टेल यू हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. मुझे विजिबल डिफरेंस लगा है अपने चेहरे पे, अपने फाइन लाइंस पे. आई यूज़ टू हैव लाइक वेरी फाइन लाइंस हियर ऑन माय फोरहेड, वेरी फाइन लाइंस. आपको कैमरा में नहीं दिखेंगी वो, बट मुझे उनमें डिफरेंस लगा है. वो पहले से मुझे कम विजिबल लगती हैं जब मैं मिरर में देखती हूँ. सो आई इवन मेरे अंडर आइज़ में मुझे बहुत डिफरेंस लगा है अपने फाइन लाइंस में. मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने मेरे पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स पे बहुत अच्छे से काम किया है बिकॉज ये वो क्लेम भी नहीं कर रहा है. ये सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है एंड इट इज़ वर्किंग ऑन योर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो मैंने नोट किया है. इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन एनी पिगमेंटेशन और इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन ब्राइटनिंग माई स्किन अप. इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन माई डार्क सर्कल्स. इट इज़ जस्ट वर्किंग ऑन माई स्किन फिनिश. लाइक मेरी स्किन पहले से स्मूद हो गई है. जब भी आपकी स्किन स्मूद होती है आपका मेकअप भी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, स्मूदली आपका मेकअप लगता है आपके चेहरे पे. तो वो डेफिनेटली मुझे फ़र्क दिखा है अपने फेस पे. माई स्किन इज़ वेरी स्मूद और मेकअप अप्लाई करने में भी मुझे बहुत स्मूद लगता है. अब फाइन लाइंस कम दिख रही हैं मुझे अपने चेहरे पे. सो मुझे ये प्रोडक्ट इफ़ेक्टिव लगा है. इट्स वर्किंग. इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट. मैंने खुद ट्राई किया है 30 days के लिए और मैं अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. और अभी तो मैं सिर्फ दिन में एक बार लगा रही थी तो ही मुझे डिफरेंस लग गया है. बट एज़ दे से दैट यू हैव टू अप्लाई ट्वाइस अ डे, मे बी ये शायद ज़्यादा डिफरेंस शो करे आपके चेहरे पर. तो मे बी इन फ्यूचर keep this cream into my nighttime skincare routine as well, maybe in future. But if you ask me that will I purchase it again, definitely I will purchase again, though I am not in the age group of 40-50, but I always like to start early. Like जो भी मेरे skin skincare के लिए anti-aging के लिए चीज़ें होती हैं अगर आप early start कर लेंगे वो आपकी skin के लिए ज़्यादा benefit करेगी. It says it is with ceramide and biomimetic ट्राईपेप्टाइड और सारे इंग्रीडियंट्स पीछे लिखे हैं एंड ऑल द इंग्रीडियंट्स आर बेसिकली फॉर योर स्किन रिपेयर. सो इट सेज दैट इट टारगेट्स बेसिकली लाइफलेस एंड डल लुकिंग स्किन और आपको एक यंगर लुक देता है विच आई टोटली एग्री. या सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रिपेयर 40-50 रिजनरेटिंग स्किन क्रीम. आई हैवन ट्राइड 50-60 बट मुझे लगता है दैट इज़ लाइक मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला of the same cream, so that is like for the more mature skin. So agar kabhi like in future I might try that as well when I am around 50-60, well bahut der ki baat hai wo to, but I really like this cream and this is a very good option if you are on a budget and you want to start a good anti-aging routine. You know, yes, it's a very good option. Agar aap
बहुत, क्योंकि मार्केट में इतने सारे एंटी एजिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. बट इन 325 विच विल लास्ट यू अराउंड 6 मंथ्स, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप दो बार भी लगा रहे हैं तो आपका एटलीस्ट 4 मंथ्स तो चलेगी ये बॉटल. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्रीम इन बजट, या एंटी एजिंग क्रीम इन बजट. सो ये सारे थॉट्स थे प्रिपेयर 40-50 रीजनरेटिंग स्किन क्रीम के मेरी तरफ से, आ जो मुझे लगा. आई टोल्ड यू गाइज एंड आई लव दिस क्रीम एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट. अगर आपने ये ट्राई की है, लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है. और अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें. यू विल फाइंड अ डिफरेंस एंड आई थिंक इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बी इट ऑयली कॉम्बिनेशन और ड्राई. बिकॉज इसका स्किन टाइप से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं लगा, बिकॉज इसने मेरा स्किन टेक्स्चर लाइक यू नो ऑयली नहीं किया, या फिर मेरी स्किन को ड्राई नहीं किया, या फिर ग्रीजी नहीं किया. सो आई थिंक दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सो एनीबडी कैन यूज़ इट. सो या दैट्स इट फॉर द रिव्यू एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी. इस तरह के अगर आप और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट आप किसका रिव्यू देखना चाहते हैं. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल बटन एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे हेल्थी.